आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। ये साइंस का चैप्टर फर्स्ट है। हम अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में बहुत सारे प्लांट देखते हैं। अनेक तरह के प्लांट होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। ये हमें क्या करता है, हमारे वर्ल्ड को खूबसूरत बनाने में मदद करता है। यानी कि प्लांट मिलकर हमारे सृष्टि को, हमारे वर्ल्ड को ये खूबसूरत करेगा। आगे है, हम लोग अपने दैनिक जीवन में जितने भी प्लांट्स देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जड़, स्टीम, ब्रांच, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड, इटीसी। यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में जो भी प्लांट्स का भाग देखेंगे, वो हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं, बताने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी कि प्लांट में कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक पार्ट है रूट। अब हमें रूट के बारे में पढ़ना है। रूट के बारे में हम बता रहे हैं, रूट आर द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड। रूट प्लांट का वैसा पार्ट है जो ग्रो करता है बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे बिलो करता है। यानी कि जो रूट है प्लांट का, जो पार्ट है रूट, वो कहाँ ग्रो करता है, ग्राउंड के नीचे करता है। यानी कि ग्राउंड के नीचे करेगा तो वो सॉइल में करेगा। तो रूट जो रूट है वो कहाँ ग्रो करेगा, वो ग्राउंड के नीचे करेगा। नेक्स्ट पार्ट है स्टीम जो कि रूट से जस्ट एवब होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। द स्टीम इज अ मेन पार्ट ऑफ प्लांट। स्टीम जो है वो प्लांट का मेन पार्ट है, प्लांट का मेन पार्ट स्टीम है। इट ग्रोज जस्ट एबव द ग्राउंड। वो कहाँ ग्रो करता है, ग्राउंड के जस्ट एबव में ग्रो करता है। यानी कि ग्राउंड के जस्ट ऊपर में क्या रहेगा, हमारा स्टीम रहेगा, प्लांट का स्टीम रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ब्रांच। ब्रांच मीन्स क्या होता है, शाखा। अनेक तरह का ब्रांच होता है, टहनिया जिसको बोल सकते हैं हम लोग, शाखा बोल सकते हैं। जो शाखा कहाँ से ग्रो करता है, ब्रांचेज ग्रो फ्रॉम स्टीम। यानी कि ब्रांच कहाँ से ग्रो करेगा, वो स्टीम से ग्रो करेगा। अगर एक पेड़ है तो पेड़ का सबसे मेन पार्ट क्या हो गया, स्टीम हो गया, उससे नीचे रूट हो गया। नेक्स्ट जब हम अप करेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, तो स्टीम से अनेक ब्रांचेज निकलते हैं। नेक्स्ट ब्रांचेज निकलने के बाद क्या होता है, लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रांच जब निकल जाएगा तो ब्रांचेज में से मेनी लीव्स, बहुत सारे लीव्स निकलेंगे। अभी हम लोग फिगर के माध्यम से पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में जानेंगे। देखिए, ये ग्राउंड हो गया, ये क्या हो गया, ये ग्राउंड हो गया यानी कि अर्थ। उसके नीचे जस्ट जो होगा, ग्राउंड के नीचे जो पार्ट होगा वो रूट होगा। ग्राउंड के ऊपर जस्ट जो ऊपर करेगा, ग्राउंड के जस्ट ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग स्टीम बोलेंगे। स्टीम से आगे बढ़ेंगे तो डेवलप होगा, ब्रांच डेवलप होगा, फ्लावर डेवलप होगा, उसके बाद फ्रूट होगा, फिर होगा, उसके बाद फ्रूट से नीचे निकलेगा वो सीड्स निकलेगा। नेक्स्ट फिर से हम रिपीट करते हैं, जो ग्राउंड के नीचे वाला भाग होगा उसे हम लोग रूट बोलेंगे, ग्राउंड से जस्ट एबव यानी कि ग्राउंड से जो ऊपर होगा उसे हम स्टीम बोलेंगे। स्टीम के बाद में जो पार्ट्स बनेगा, प्लांट का जो पार्ट बनेगा उसे हम ब्रांच बोलेंगे। नेक्स्ट ब्रांच के बाद में जो बनेगा वो लीव्स बनेगा। लीव्स के बाद में जो पार्ट डेवलप होगा, यानी कि लीव्स के बाद में पार्ट डेवलप होगा उसे हम बड बोलेंगे। बड मीन्स होता है कली, यानी कि फ्लावर बनने से पहले वाले भाग को हम लोग बड बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट बनेगा वो फ्लावर बनेगा, और उसके बाद फ्लावर के बाद में फ्रूट बनेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर्स। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बड्स। फ्लावर्स कहाँ से ग्रो करते हैं, बड से ग्रो करते हैं, कली से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स। सम फ्लावर्स ग्रो इन टू फ्रूट्स। कुछ फ्लावर्स वैसे होते हैं जो कि फ्रूट्स में ग्रो कर जाते हैं, कुछ फ्लावर्स वैसे होते हैं जिनका फ्रूट नहीं होता है। एग्जाम्पल्स, रोज, मैरीगोल्ड, इटीसी। इन फ्लावर्स का फ्रूट्स इनसाइड यानी कि अंदर नहीं होता है। और नेक्स्ट है सीड्स। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम। ज्यादातर फल वैसे होते हैं जिनके अंदर में सीड्स होते हैं, जैसे कि कुछ वैसे भी फ्रूट्स होते हैं
जिनके अंदर ओनली वन यानी कि केवल एक सीड होता है, और कुछ फ्रूट्स वैसे होते हैं जिसके अंदर मोर देन वन सीड होता है, एक से ज्यादा सीड होता है। जैसे हम लोग जानते हैं मैंगो के अंदर कितने सीड्स होते हैं, एक सीड होते हैं, ओनली वन सीड होते हैं। लेकिन उसी तरह से पपाया, पपाया के अंदर मोर देन वन यानी कि बहुत सारे सीड्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बनाना फ्रूट हैज नॉर सीड्स। बनाना फ्रूट हैज नॉर सीड यानी कि बनाना जो फ्रूट है उसके अंदर कोई सीड नहीं होता है, वो बिना सीड के ही ग्रो करता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी ग्रो करता है। वो मदद रूट से क्या होता है, डेवलप होता है नेक्स्ट प्लांट। बनाना प्लांट वन रूट से दूसरे रूट, दूसरे प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है सम प्लांट लाइक सुगर केन डू नॉट हैव फ्रूट और सीड, यानी कि कुछ प्लांट वैसे होते हैं जैसे कि सुगर केन, उनके अंदर कोई सीड नहीं होता और ना ही उनका कोई फ्रूट होता है यानी कि फल होता है। तो हमने अभी कितने पार्ट्स में पढ़े, हम लोग 7 पार्ट्स पढ़े प्लांट का, कितने पार्ट, 7 पार्ट्स पढ़े। फर्स्ट पार्ट क्या पढ़े, रूट, यानी कि रूट क्या है, रूट ग्राउंड के बिलो यानी कि ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है और पेड़ पौधों को एक जगह फिक्स करके रखता है। नेक्स्ट पार्ट पढ़े हम लोग स्टीम, स्टीम मीन्स क्या बताए हम, तना। तो तना क्या करता है, वो रूट के ऊपर यानी कि स्टीम इज जस्ट एबव द ग्राउंड, स्टीम इज ग्रो जस्ट एबव द ग्राउंड। स्टीम कहाँ ग्रो करता है, जस्ट एबव ग्राउंड यानी कि ग्राउंड से जस्ट ऊपर में ग्रो करता है। वो क्या करता है, वो सबसे मेन पार्ट होता है प्लांट का। नेक्स्ट हम लोग पढ़े ब्रांच, ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम स्टीम, ब्रांचेस कहाँ से ग्रो करते हैं, स्टीम से ग्रो करते हैं, वो तना से ग्रो करता है। नेक्स्ट पढ़े हम लोग लिप्स, लिप्स ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेस यानी कि लिप्स कहाँ से ग्रो करता है, वो ब्रांच से ग्रो करता है, एक ब्रांच नहीं बहुत सारे ब्रांच हो जाते हैं, स्टीम से बहुत सारे ब्रांच निकलेंगे उसके बाद लिप्स बहुत सारा निकलेगा। तो अनेक तरह के प्लांट के अनेक तरह लिप्स होते हैं, जैसे कि बनाना लिप अलग होता है, रोज प्लांट का लिप अलग होगा, पपाया का लिप अलग होगा, इस तरह से अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग लिप्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़े फ्लावर्स, फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बड्स, फ्लावर्स बड से ग्रो करता है, अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग फ्लावर्स होता है। फ्रूट्स पढ़े सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, कुछ फ्लावर्स वैसे होते हैं जो फ्रूट्स में ग्रो कर जाते हैं, फ्रूट्स में ग्रो कर जाते हैं, फ्रूट्स बन जाते हैं। अब नेक्स्ट पढ़े हम लोग सीड, मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम, ज्यादातर फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड पाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़े हम लोग बनाना फ्रूट हैज नो सीड, बनाना फ्रूट में कोई सीड नहीं होता है। सम प्लांट लाइक सुगर केन डू नॉट हैव फ्रूट और सीड इनसाइड देम यानी कि कुछ प्लांट वैसे भी होते हैं जैसे सुगर केन जिसके अंदर कोई फ्रूट और सीड नहीं होता है। नेक्स्ट अब आप लोग अपना होमवर्क नोट करेंगे, जितने भी हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बताए हैं, सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं, हम उस पार्ट को क्या बोलते हैं, वो कहाँ ग्रो करता है, ये सारे पार्ट्स को आपको राइट एंड रिमेम्बर कर लेना है और नेक्स्ट ये पॉइंट याद कर लेना है। अगर किसी प्रकार का किन्हीं को डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।